अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, तो मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि अपने मदर इन लॉ के घर का टूर दें। तो घर ये कि पूरा घर तो मैं सारा अभी आपको नहीं दिखा सकती, आहिस्ता आहिस्ता करके इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मुझे था आज मैं आप लोगों के साथ ड्राइंग रूम एंड डाइनिंग रूम का टूर देती हूँ। तो ये इनकी एंट्रेंस है, यहाँ से आप एंटर होते हो और ये जो है ये इनकी एक बिल्ट इन कबर्ड है जो कि ये डाइनिंग रूम है। ठीक है, मैं आपको और भी डाइनिंग दिखाती हूँ। ये बिल्ट इन कबर्ड है, इसमें भी मदर इन लॉ के बर्तन पड़े हुए, ये देखिए जरा, ये सारे बर्तन पड़े हुए हैं इनके। मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ। ये सारे देखिए हॉट पॉट्स पड़े हुए हैं, ये भी एक आई डोंट नो ये क्या चीज है, ये भी कोई पॉट ही है, और ये जो है वो मशीन है शायद, डीप फ्रायर है, ये इनके बर्तन हैं, टी सेट्स हैं, ये सारे चाय वाले हैं, नॉट चाय वाले, ये इनके लाइक आइसक्रीम कस्टर्ड के बोल्स हैं, और ये नीचे भी इनके सारे बर्तन बर्तन पड़े हुए हैं, और ये जो है ये इधर भी कुछ मशीनें पड़ी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं अंदर कुछ मशीनें हैं, और इधर भी कुछ पड़ा हुआ है। आई डोंट नो ये कौन सी चीज़ें हैं। नीचे कबर्ड्स हैं, इसमें इनके सारी कटलरी वगैरह पड़ी हुई है। सो दिस इज़ द डाइनिंग टेबल, ये सिक्स वाला डाइनिंग टेबल है, इसमें छः चेयर्स हैं, और इसके अलावा इन्होंने मैट लगाया हुआ है इधर, कुछ चीज़ें समटाइम्स लाइक जब कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो वो इसे यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, इनके घर में, मेरे घर में डीप फ्रीज़र है, इनके घर में वर्टिकल जो है वो फ्रीज़र है। ठीक है, ये फ्रीज़र वर्टिकल वाला है, और इधर वॉल पे आप देख सकते हैं मेरी मदर इन लॉ ने चीज़ें लगाई हुई हैं, डेकोरेशन पीसेस हैं, ये कर्टन्स हैं, ये इनकी ट्रॉली है, ये देख सकते हैं आप, ट्रॉली है, टी ट्रॉली। हाँ जी, ये एक लाइक कंप्यूटर चेयर इधर पड़ी हुई है, विच इज़ लाइक इन्होंने रखी इसलिए क्योंकि इसके ऊपर ही मसाजर है। आप लोगों ने मेरा भी मसाजर देखा होगा, मेरी मदर इन लॉ ने ही मुझे दिया था, तो ये वाला दूसरा मसाजर है। ठीक है, थोड़ा क्लियर कर दूँ, तो ये दूसरा मसाजर है, फोकस नहीं कर। हाँ जी, तो ये बहुत अच्छा है, जब आप ये ऑन करते हो तो इसमें मसाज होता है, ये गर्दन में भी मसाज करता है। अब आते हैं, हाँ मैं आपको एक और चीज दिखा दूँ, ये इनकी जो है ये पूरा ऊपर वुडन वर्क हुआ है, और ये जो आपको नजर आ रहा है मैं क्वेटा से लेकर आई थी, ये ड्राइंग रूम की उस तरफ साइड से जब देखेंगे ना तो बहुत क्लियरली नजर आएगा। तो ये मैं ये क्वेटा से लेकर आई थी लॉन्ग को, बहुत पुरानी बात है, तो ये फिर हमने इधर लगा दिया था। अब आते हैं ड्राइंग रूम की तरफ। हाँ जी, तो ये इनका ड्राइंग रूम है, सबसे पहले इससे स्टार्ट लेते हैं। ये कुशन्स हैं, ये मैंने पेंट किए हैं बहुत पहले, शायद मेरी शादी नहीं हुई थी, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन ये कुशन मैंने बना के इनको पेंट करके भिजवाए थे, आई डोंट नो शायद ये नमाज के लिए इन्होंने रखा हुआ है। और इसके अलावा इस तरफ आते हैं तो ये एक टेबल है, और ये पूरी वॉल आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर जो है वो सारा वुड वर्क हुआ हुआ है, और ये जो है ये क्वेटा में बहुत मिलते हैं, कारपेट वाले होते हैं, इसमें ये कारपेट का पीस होता है, और उसके बाद ये हैंगिंग्स लगी हुई होती हैं, ये आप डोर पे भी लगा सकते हैं, मेरे घर में टीवी के ऊपर भी लगा हुआ है, बहुत बड़ा वाला साइज का है, ये छोटा है, ये मोस्टली दरवाजों पे लोग लगाते हैं, तो ये यहाँ पर लगा हुआ है। इसके अलावा जो है ये पूरी आयतुल कुर्सी की एक बड़ी सी जो है फ्रेम है जो इधर लगा हुआ लगाई गई है, और ये एसी है, और ये मेरी सास ने अभी लिए हैं, मीन्स एक साल दो तीन साल पहले ये वाला सोफ़ा लिया, वरना पहले जो उनका लाउंज का सोफ़ा था वो यहाँ पर पड़ा होता था। ये लाइक सेवन सीटर सोफ़ा है, और अच्छा सोफ़ा है, इट्स नॉट बैड, और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है कि आप इसके यहाँ पर आर्म्स पे जो है ना कुछ रख सकते हैं। इसके अलावा दिस इज़ द रग, ये एक अदद रग यहाँ पर है, ये टेबल्स हैं इनके, ये लाइक एक सेंटर टेबल है और दो जो है साइड टेबल्स हैं, एक यहाँ पर पड़ा हुआ है और एक जो है वो वहाँ पर पड़ा हुआ है। इसके अलावा जो है ये कॉर्नर में मेरी मदर इन लॉ ने जो है ये कुछ यू कैन से कि ये रखे हुए हैं गुलदान कह सकते हैं, आई डोंट नो क्या कहते हैं इसको, लेकिन गुलदान रखे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी एक लगी हुई है फ्रेम लगे हुए, यहाँ पर दो फ्रेम्स लगे हुए हैं, और शैंडलियर्स है इनके घर में, ये आप देख सकते हैं, मैंने मुझे था मैं आप लोगों के साथ हर चीज शेयर कर लूं। ये इनका बाहर का डोर है जो कि बाहर साइड से आता है, और इधर जो है आप लोगों को नजर आ रहे होंगे इधर इन्होंने कुछ डेकोरेशन पीसेस रखे हुए हैं, और यहाँ पर कर्टन्स हैं,
और मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये इनकी कबर्ड है। तो इसमें जो पिक्चर्स होंगी तो वो मैं ब्लर कर दूंगी, वो मैं शायद आपको नहीं क्लियरली नजर आए, लेकिन ये है कि वो फैमिली पिक्चर्स हैं तो वो मैं नहीं दिखा रही। ये इनकी एक अलग बिल्ट इन कबर्ड है, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने गुलदान रखे हैं, कोई वॉच है, कोई घड़ी है, और इसके अलावा ये डेकोरेशन पीस है। ये ग्लास आपको याद होगा, ये मैंने पेंट किए थे जब मेरी इंगेजमेंट हुई थी तब मैंने इनके लिए भिजवाए थे। इसके अंदर डायमंड टीज लगे हुए। इसके अलावा ये फ्रेम पड़े हुए हैं। ये अच्छा है एक बंदे के ड्राइंग रूम में, अगर इस तरह की बिल्ट इन मीन्स कबर्ड होती है ना तो आप उसके अंदर बहुत सारे डेकोरेशन की चीजें रख सकते हैं। सेम इज द केस हेयर, यहाँ पर भी है। और यहाँ पर एक पिक्चर है इनके दादा दादी की और मेरे एक देवर की, तो वो मैं नहीं दिखा रही, यू नो फैमिली की प्राइवेसी होती है। और इसके अलावा यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं खाने काबा का जो है ना दरवाज़ा है, और ये यहाँ पर कुछ डेकोरेशन स्टफ पड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी ये इस तरह की डेकोरेशन पीसेस हैं। हाँ जी, तो अब आते हैं कर्टन्स की तरफ। कर्टन्स बड़े प्यारे से ग्रे कलर के कर्टन्स हैं इनके, और बीच में शेयर कर्टन्स हैं वो भी ग्रे ब्लूइश कलर की, क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन के साथ के। एंड यू नो यहाँ से मैं थोड़ी सी लुक आप लोगों को दिखा दूँ ड्राइंग डाइनिंग की। इट लुक सो नाइस, एलिगेंट है, बहुत सिंपल सा है, बहुत ऑश वॉश नहीं है, बट इट लुक्स नाइस। कर्टन्स बीच में शेयर कर्टन्स लगे हुए कि इनके जैसे आपके घर में जेंट्स आते हैं ना फॉर डिनर और समथिंग, तो आप इधर जेंट्स को बिठा लें तो पर्दे आगे कर दें, तो वहां पर अपने डाइनिंग में आप सर्व कर सकते हैं फूड या कोई भी चीज अगर आपने सर्व करनी होती है तो। मैं जरा, और दूसरी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है ना, ये जो वुडन वॉल्स हैं, बिकॉज इट लुक्स सो नाइस, इट लुक्स एलिगेंट। तो अच्छी है मेरी मदर इन लॉ की, लाइक शी इज अ सिंपल लेडी, शी इज जैसे उन्होंने अपने तरीके से डेकोरेट किया है। प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं आने चाहिए, हर एक घर की अपनी होती है। तो मुझे कमेंट्स आए थे आप अपने सास के घर का होम टूर दे पूरा, तो वो इंशाल्लाह ताला कभी अगर मैं हुआ तो दे दूंगी, लेकिन ये है कि ये मुझे था कि मैं आज आप लोगों के साथ अपना मदर इन लॉ का ड्राइंग डाइनिंग जो है वो शेयर करती हूँ, और कि वो किस तरह से, हाँ बर्तन बड़े प्यारे प्यारे हैं मेरी मदर इन लॉ के पास, वो बहुत ख्याल से रखती हैं। ये आप लोगों को मैं दिखा रही थी, तो ये देखिए जरा बड़े प्यारे प्यारे इनके पास। ये आप लोगों के साथ मैंने जैसे जब भी मैं आई हूँ, जैसे मैंने दो दफा व्लॉग बनाया है तो मैंने शेयर किया है, तो यहाँ पर। हाँ जी, मुझे एक क्वेश्चन आया था कि आपने कहा था कि मेरी इन लॉस इंग्लैंड में रहती। हाँ जी, मेरे हस्बैंड की जो है वो तीन ही भाई हैं, उनकी कोई बहन नहीं है, एंड वो तीनों इंग्लैंड में रहते, तो मेरी तो इधर कोई इन लॉस है नहीं। उसके अलावा मेरे हस्बैंड की खाला वगैरह वो भी सारी यूके में रहती हैं, तो यहाँ पर इतने कोई है ही नहीं, इतने लोग ही नहीं है। तो ये आपको मैं, मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ अपने सास के घर का जो है ना वो ड्राइंग रूम का और डाइनिंग का टूर शेयर करती हूँ। होप आप लोगों को अच्छा लगे होगा, प्लीज कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आने चाहिए। इट्स अ सिंपल एंड एलिगेंट सॉर्ट ऑफ अ ड्राइंग रूम विच इज लाइक, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एंड डिसेंट है। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह टुमारो इन माय टुमारोज़ व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।